थिंक लाइक ए मॉन्क सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने बात की जे शेट्टी कैसे मॉन्क लाइफ के लिए इंस्पायर हुए और मंकी माइंड और मॉन्क माइंड में क्या अंतर है, और ये बताया कि मॉन्क की तरह सोचने के लिए किसी मोनेस्ट्री या पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ हो वहीं रहकर सिर्फ कुछ घंटे ट्रेनिंग प्रैक्टिस और हैबिट्स फॉर्म करके मॉन्क लाइफ जी सकते हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉन्क की तरह सोचे और एक्ट करें। ऑथर ने बुक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला लेट गो, दूसरा ग्रो और तीसरा गिव। आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि ऑथर कौन कौन से मेथड्स और वेज बता रहे हैं कैसे अपने माइंड को पीस और पर्पस के लिए ट्रेन करें। फर्स्ट पार्ट लेट गो, चैप्टर फर्स्ट आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जबकि ये एक रॉन्ग व्यू है। ऑथर चार्ल्स हॉस्टन का कोट यूज करते हैं जो कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ और जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो मैं हूँ। ये कोट थोड़ा दिमाग चकरा देने वाला है। इसका सिंपली बोले तो जो भी आपके एक्शन होते हैं वो दूसरे को प्लीज करने के लिए होते हैं। हम अपने आप को बदलते हैं क्योंकि दूसरों को इम्प्रेस करना है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि कोई वेल्थ को एज ए सक्सेस एडमायर करता है तो हम वेल्थ के पीछे भागते हैं, अगर कोई हेल्थ को तो हम हेल्थ के पीछे भागते हैं, और अगर कोई हमारे लुक को जज कर रहा हो तो हम अपना अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ अपने खुद के वैल्यूज और प्रिंसिपल पर नहीं जीते, इस कारण आप अपनी रियल लाइफ को खो देते हो। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एजुकेशन, मीडिया, ये सब वॉइस आपके सेल्फ पर डस्ट जमा देती है, जिससे आप अपने रियल सेल्फ को नहीं देख पाते। इसको इस उदाहरण से समझते हैं, जब आप एक डस्ट भरे मिरर को देखते हो तो आपका ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं आता, मगर जैसे ही आप उसको क्लीन करते हो तो आपका ट्रू रिफ्लेक्शन निकल कर आता है, और ये डस्ट वो सारी वॉइसेस है जो रोज़ाना आपको सुनाई देती है, इंटरनेट, टीवी, स्कूल, फैमिली, मीडिया, फ्रेंड्स, न्यूज़, मैगजीन और बहुत कुछ। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ के लिए इन सारे नॉइज को रिमूव करने की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स मॉन्क माइंड। इसलिए आपको उन वैल्यूज़ पर काम करना है जो ट्रूली रिफ्लेक्ट करती हो, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको गाइड करेगी व्हाट यू वांट टू बी, हाउ वी ट्रीट आर सेल्फ एंड अदर्स टू। वैल्यूज़ जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, कंपैशन एंड ऑनेस्टी। अपनी लाइफ को ऑडिट कैसे करें? टाइम। रिसर्चर्स ने पाया है कि ऑन एन एवरेज हम 33 साल बेड पर स्पेंड करते हैं, जिसमें 7 साल तो सोने की कोशिश में चले जाते हैं, 3 साल वेकेशन पर, और अगर वुमेन हो तो 136 दिन सिर्फ रेडी होने में। इसलिए अपने टाइम को ट्रैक करें जो डिवोट करते हो फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और सेल्फ पर, और इन डिसीजंस पर वैल्यूज़ क्या है और क्या आपकी अर्निंग आपकी वैल्यूज़ को सर्व कर रही है। मीडिया ऑडिट करें, कितना मीडिया आपकी लाइफ का हिस्सा छीन लेता है, जैसे टीवी, मैगजीन, न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। मनी, आप ऑडिट करो कि आप अपना पैसा अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्पेंड करते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगले एक हफ्ते के लिए आप जब भी अपना पैसा अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करने का प्लान कर रहे हो तो पॉज करें और सोचें कि इस चॉइस के पीछे क्या वैल्यू है। इस तरह जब आप अपने आप को स्पेस देंगे तो आप डस्ट को क्लियर कर पाएंगे और अपने आप को देख पाएंगे, नॉट थ्रू अदर्स आइज बल्कि खुद के आइज के थ्रू। अपनी वैल्यूज को पहचाने और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को फिल्टर करें। चैप्टर सेकंड नेगेटिविटी। अगर आपको अपनी वैल्यू ड्रिवन लाइफ जीनी है तो उन स्किल्स को एक्वायर करना होगा जो आपको हेल्प करेगी अनवांटेड एटीट्यूड्स और इमोशंस को रिमूव करने में। नेगेटिविटी हर जगह है और ये कंटेजियस है। ये हमें सुबह से शाम अलग अलग मीडियम से घेरे लेती है, न्यूज़, फाइट, डिसअग्रीमेंट, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, वांटिंग, अनवांटिंग एंड सो ऑन। जितना नेगेटिविटी हमें घेरती है उतना हम नेगेटिव बनते जाते हैं। इसलिए आपको 7 तरह के लोगों से दूरी रखनी चाहिए। पहला कंप्लेनर, ये लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर,
और सॉल्यूशन ढूंढने में इनका कोई फोकस नहीं होता। दूसरा कैंसलर, ये वो लोग हैं जो कम्प्लीमेंट को तोड़ मरोड़ देते हैं और कहते हैं अच्छा आज अच्छा लग रहा है तो क्या कल बुरा लग रहा था। तीसरे तरह के लोग कैजुअलिटीज में होते हैं, जो सोचते हैं दुनिया उनके अगेंस्ट है और दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। चौथे क्रिटिक्स, जो लोगों को जज करते हैं इसलिए कि उनके ओपिनियंस उनसे अलग है। पांचवा कमांडर्स, ये लोग अपनी लिमिट्स को जानते हैं और दूसरों की सक्सेस होने के लिए प्रेशर करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, ये लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में चूकते नहीं हैं। सातवा कंट्रोलर, ये लोग मॉनिटर करते हैं और अपने फ्रेंड्स पार्टनर की चॉइसेस को डायरेक्ट करते हैं। इन नेगेटिविटी को रिवर्स करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना है, अपने आप को स्लोली दूर कर ले इन लोगों से। 75% और 25% का प्रिंसिपल अपनाएं, अपने आप को 75% उन लोगों से सराउंड करें जो आपको अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो खुश है और स्पिरिचुअल है। अपने टाइम को अलोकेट करें, कम से कम टाइम अलोकेट करें नेगेटिव लोगों को, अगर उनसे आपकी डील ज़्यादा रहती है। एक सप्ताह में आप कितनी बार अपने आप को नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं, डेली उस नंबर को कम करें। एक हफ्ते का गोल 0 होना चाहिए। ऑथर आगे कहते हैं, आपको नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए फॉरगिव करना भी आना चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस की बात करते हैं। इसके लिए 4 स्टेप हैं। 0, मतलब एंगर कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट फॉरगिव यू। कंडीशनल, ये दूसरा स्टेप है जिसमें पर्सन ट्रांजैक्शनल होता है, अगर तुम अपोलोजाइज करोगे तो मैं भी। ट्रांसफॉर्मेशनल, इस स्टेप में गुडनेस होती है, मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, ये स्टेप में आप फॉरगिव करते हो बजाय किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो। ऑथर कहते हैं, फॉरगिव करने के बाद यू शुड ऑल्सो आस्क फॉरगिवनेस एंड अपने आप को भी फॉरगिव करना चाहिए। चैप्टर 3, फियर। नेगेटिविटी फियर से अराइज होती है। इस फियर को हम कैसे अपनी लाइफ का प्रोडक्टिव पार्ट बना सकते हैं? ऑथर कहते हैं, फियर और एंजाइटी के बिना हम कभी नहीं जी सकते। डेट्स ओके, फियर कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक वार्निंग फ्लैग की तरह है जो आपसे कहता है ये सही नहीं लगता, कुछ गलत हो सकता है। ऑथर हमें फियर से भागने के बजाय फियर को समझने के लिए और उससे डील करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले आपको लर्न करना है फियर के, फियर को लेट गो करना और अपने फियर के साथ वर्क करना, जिसका मतलब है अपना एटीट्यूड चेंज करना टूवर्ड्स फियर और समझना और पहचानना। दूसरा, एक्सेप्ट योर फियर, अपने फियर के प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना कि फियर है, और डीप ब्रीथ के साथ साइलेंटली कहना आई सी यू माई पेन, आई सी यू माई फियर, और ब्रीथ आउट के समय कहना आई सी यू एंड आई एम हेयर विद यू, आई सी यू एंड आई एम हेयर विद यू। फियर का कोज अटैचमेंट है और उसका क्योर डिटैचमेंट, इसलिए मॉन्क माइंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता है। वो जानता है कि हर चीज़ घर से लेकर फैमिली सब बोरोड है, इसलिए आप भी फियर को एंड करना चाहते हो तो अपने अटैचमेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करें। इसके लिए आपको अपने अटैचमेंट का ऑडिट करना है, ऑडिट योर अटैचमेंट। अपने आप से पूछो, मैं किस चीज़ के खोने से डर रहा हूँ, व्हाट एम आई अफ्रेड ऑफ लूजिंग। क्या ये आपकी कार है, घर है, या आपकी खूबसूरती, हर चीज़ को लिखिए। आप अपने इंटरनल अटैचमेंट का भी ऑडिट करें, रेप्यूटेशन, स्टेटस और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ऑथर हमें पैनिक होने से मना करते हैं और एक ब्रेथ प्रैक्टिस बताते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अपनी ब्रेथ को स्लोली इनहेल करें 4 गिनती तक, फिर 4 गिनती तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करें और 4 गिनती में धीरे धीरे एक्सहेल करें। ये टेक्निक आपका फियर हार्ट रेट को स्लो करके कामनेस देगा। फियर कभी कभी हमें मोटिवेट भी करता है उसकी तरफ जो हमें चाहिए, क्योंकि हम केयरफुल नहीं होते, इसलिए ये हमें लिमिट कर देता है। चैप्टर 4, इंटेंशन। 4 तरह के मोटिवेशन है। पहला, फियर, ये मोटिवेशन ड्राइव होता है सिकनेस, पॉवर्टी, फियर ऑफ हेल्थ और फियर ऑफ डेथ से। सेकेंड, डिज़ायर,
ये मोटिवेशन उनमें होता है जो वेल्थ, प्लेजर और सक्सेस के थ्रू पर्सनल ग्रेटिफिकेशन सीख करते हैं। तीसरा, ड्यूटी। ये मोटिवेशन फैक्टर उनमें होता है जो ग्रेटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही चीज़ों को करने की इंटेंशन रखते हैं। चौथा, लव। ये लोग मोटिवेशन होते हैं दूसरों की केयर करने में और मदद करने में। ये चारों मोटिवेशन फैक्टर ही इंटेंशन के रूट्स हैं। आपका इंटेंशन वो है जो आप प्लान करते हो इस पर्पस और फीलिंग के साथ कि वो मीनिंगफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फियर से मोटिवेटेड हूँ तो मेरी इंटेंशन होगी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अगर ड्यूटी से तो मेरी इंटेंशन होगी अपने दोस्तों को हेल्प करना। अगर मैं डिज़ायर से मोटिवेटेड हूँ तो मेरी इंटेंशन होगी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन, नाम और शोहरत हासिल करना। और अगर मैं लव से मोटिवेटेड हूँ तो मेरी इंटेंशन होगी सर्व करना। ऑथर कहते हैं, आप अपने वांट के पीछे वाई को डिक करिए। जितना डिक करोगे उतनी इंटेंशन क्लियर होती जाएगी। जब किसी से पूछा जाता है कि आप कौन हो, हु यू आर, तो आपको आंसर मिलता है, आई एम एन अकाउंटेंट, आई एम ए लॉयर, हस्बैंड, वाइफ, सिंगर, प्लेयर, टीचर, एट्सेट्रा। मगर लाइफ इससे ज़्यादा मीनिंगफुल है जब आप खुद को डिफाइन करते हैं अपनी इंटेंशन से बजाय कि आपकी अचीवमेंट से। आप अपनी इंटेंशन को डिक करने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोई डिज़ायर को लो और पूछो कि ये आपको क्यों चाहिए। पूछते रहो अपने आप से जब तक आप अपने इंटेंशन के रूट तक ना पहुंच जाओ। आपके कॉमन आंसर हो सकते हैं, टू लुक गुड एंड फील गुड, सिक्योरिटी, सर्विस और ग्रोथ। इसके साथ साथ अपने ब्रेथिंग पैटर्न को समझे और उसको यूज़ करें डेली। एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढनी है आपको, फिर आंखें बंद कर ले और शांति से बैठ जाए। फिर अपनी नाक से सांस ले और छोड़े। जब इनहेल करे तो फील करे कि आप पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं, और जब एक्सहेल करे तो नेगेटिविटी को भी एक्सहेल करना है। ये ब्रेथ मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। पार्ट टू, ग्रो। चैप्टर फिफ्थ, पर्पस। ऑथर धर्मा या पर्पस की बात करते हैं जिसे वो पैशन और स्किल से रिलेट करते हैं, और सेवा से जिससे उनका मतलब है जगत की जरूरत और निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की सेवा। जब आपको नेचुरल टैलेंट और पैशन सांसारिक जगत की जरूरत के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उससे पर्पस बनता है। ये पर्पस को पाना ही धर्म का जीवन जीना है। धर्म का जीवन जीना ही निश्चित तौर पर परिपूर्ण जीवन है। पैशन प्लस एक्सपर्टीज प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू धर्मा। आपका पैशन प्लस स्किल से बनता है टैलेंट। स्किल और यूजफुलनेस से ऑक्यूपेशन बनता है। यूजफुलनेस और कंपैशन से सेवा व कंपैशन व पैशन से चैरिटी बनता है। और ये टैलेंट, ऑक्यूपेशन, सेवा एंड चैरिटी आपका धर्मा बनाते हैं। अपने पैशन से अलाइन होने के लिए आपका पोटेंशियल के चार खंभों पर काम करने की ज़रूरत है, या चार सेक्शन पर। पहला स्किल है मगर पैशन नहीं। दूसरा स्किल और पैशन है। तीसरा स्किल नहीं है ना ही पैशन। चौथा स्किल नहीं है मगर पैशन है। इसलिए आपको अपने से क्वेश्चन करना है कि मैं कैसे अपना टाइम और एनर्जी को दूसरे खंभे या सेक्शन टू की ओर मोड़ दूं। वो चीज़ें करना जिसमें मैं अच्छा हूं और लव करता हूं जिसे करने में। चैप्टर सिक्स, रूटीन। लोकेशन हैज़ एनर्जी, टाइम हैज़ मेमोरी। जब भी सुबह उठो तो सोचो कि आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अलाइव हूँ। मेरे पास प्रीशियस ह्यूमन लाइफ है। मुझे मानव जीवन मिला और मैं इस मानव जीवन को अब वेस्ट नहीं करने वाला। ऑथर डिसिप्लिन और रूटीन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। उनका पहला रिकमेंडेशन है, एक घंटा पहले उठो। वेक अप 1 आवर अर्लियर देन यू डू नाउ। सुबह की ऊर्जा और मूड आपका पूरा दिन बनाती है। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का कार्य सुबह की शांत वातावरण और जीर्णोद्धार ऊर्जा के साथ ही हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से लाइफ प्रोडक्टिव बनती है। सक्सेसफुल लोग जैसे एप्पल के सीईओ टिम कॉक अपना दिन की शुरुआत 4:45 बजे करते हैं। मिशेल ओबामा 4:30 बजे उठती है, और अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, और वो तो कम भी सोते हैं। उनका मानना है उनके अनुभव पर कि लेस स्लीप आपको प्रोडक्शन होने का ज़्यादा टाइम देता है। मॉर्निंग रूटीन के लिए आपको सुबह कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले थैंकफुल हो,
लोगों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, इनसाइट गेन करो थ्रू रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू द पॉडकास्ट एट्सेट्रा। इसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं 15 मिनट, फिर एक्सरसाइज मॉन्क्स योगा करते हैं। सही मानों में रिच और फुल लाइफ जीने के लिए प्रेजेंट में होना जरूरी है। अपनी रूटीन के दूसरी चीज़ें जो करनी है वो है सिंगल टास्किंग। अपना फोकस और एनर्जी किसी एक टास्क पर लगाने से डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होते हैं। चैप्टर 7 माइंड। ऑथर कथा उपनिषद के एक कोट से शुरू करते हैं, वो इस तरह से है, व्हेन द 5 senses एंड द माइंड आर स्टिल्ड, व्हेन द रीजनिंग इंटेलेक्ट रेस्ट इन साइलेंट, देन बिगिंस द हाइएस्ट पाथ। जब 5 इंद्रिया और मन थम जाते हैं, जब इंटेलेक्ट शांति में समा जाते हैं, तब सबसे ऊंचे पद की शुरुआत होती है। मन में रोज 70,000 तरह के विचार आते हैं, उन पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? अपने माइंड को मंकी माइंड बनने से रोकना क्यों जरूरी है? संयुक्ता निकाय वर्णन करता है, हर एक विचार एक ब्रांच की तरह है और हमारा माइंड मंकी की तरह है, जो बिना किसी कारण एक डाल से दूसरे डाल पर उछलता रहता है। ये थोड़ा फनी लगता है, मगर ये कुछ और नहीं बल्कि ये थॉट्स, डर, चिंता, नकारात्मकता और स्ट्रेस, तनाव है। इस सप्ताह क्या होगा, डिनर के लिए क्या खाऊं, क्या मैंने इस साल हॉलीडे के लिए अच्छा जमा कर लिया है, क्या मैं यहाँ क्यों हूँ, इस तरह के थॉट्स चलते रहते हैं। एक डाल से दूसरे डाल पर मन उछलता रहता है। एक दादा अपने पोते से कहता है, हर चॉइस लाइफ में एक युद्ध की तरह है जो हमारे अंदर चलता है 2 चीज़ों के बीच में। पहला रिप्रेजेंट करता है लव, पीस, कंपैशन, काइंडनेस, दया और सकारात्मकता। वही दूसरा रिप्रेजेंट करता है क्रोध, द्वेष, लालच, मोह, डर, झूठ, अहम और इनसिक्योरिटी को। इनमें से कौन जीतता है? वो जिसे तुम फीड करते हो वो ही जीतता है। मंकी माइंड एक चाइल्ड का माइंड है और मॉन्ग माइंड एक अडल्ट का माइंड। इसलिए अपने मन के रथ को चलाना सीखो, जिसके लिए अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखो और अपने जिद्दी सबकॉन्शियस को कंट्रोल करो। अपने सबकॉन्शियस को जगाने के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। जो भी माइंड के नॉइज समझते हो या सुनते हो उसको लिखो डेली बेसिस पर। वो नॉइज जिसे तुम नहीं चाहते, वो सब नेगेटिविटी, जैसे यू आर नॉट गुड इनफ, यू कांट डू दिस, यू कांट हैव द इंटेलिजेंस टू डू दिस, इस प्रकार अपने सारे नॉइजेस को कलेक्ट करके उनको लिखो। चैप्टर 8 ईगो। कैच मी इफ यू कैन। आई, मी और माइन के ईगो के पिंजरे को तोड़ने वाले और सेल्फिश डिजायर को त्यागने वाले हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। भगवद गीता। जब हम हम्बल होते हैं, हम हमेशा लर्न करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितना सब कुछ नहीं पता। सीखने के लिए सबसे बड़ी बाधा यही आती है कि हमें सब पता है। यही गलत आत्मविश्वास हमारे अहम या ईगो में रूटेड होता है। भगवद गीता ईगो और फॉल्स ईगो में अंतर का वर्णन करती है। रियल ईगो हमारा सार या एसेंस होता है, एक चेतना जो हमें जीवन की सच्चाइयों के लिए जागरूक बनाती है, जबकि फॉल्स ईगो एक बुनी हुई पहचान है जो हमारे महत्वपूर्ण होने को प्रिजर्व करती है, जो सब कुछ जानता है। धन का अभिमान धन को तबाह कर देता है, बल का अभिमान बल को, इस तरह ज्ञान का अभिमान ज्ञान को डिस्ट्रॉय कर देता है। ईगो एक मास्क है, ईगो हमें झूठा बनाता है, ईगो एक दूसरे के बीच में अंतर बढ़ाता है। एरोगेंट ईगो आदर की चाह करता है, जबकि हम्बल वर्कर आदर को प्रेरित करता है, ईगो जज करता है। एक जैन स्टोरी है, एक बार 4 monks 7 दिन रात साइलेंस में मेडिटेशन करने का डिसाइड करते हैं। दिन तो अच्छा गया, मगर जैसे ही शाम हुई पहला monk impatient हो जाता है, क्योंकि एक monk जिसकी जॉब थी लाइट लैम्प को जलाने की, वो अब भी बैठा हुआ था शांति में। आखिरकार पहला वाला monk जो impatient था वो बोल पड़ता है, दोस्त लाइट द लैम्प। दूसरा monk कहता है, तुमने साइलेंस तोड़ दिया। इन्हें देखकर तीसरा monk कूद पड़ता है, बेवकूफों, अब तुम दोनों ने मौन तोड़ दिया। अब चौथा monk अपने साथियों की तरफ देखता है और एक प्राउड स्माइल के साथ कहता है, वेल वेल वेल, देखो मैं ही अकेला हूँ जो मौन रहा। हर एक monk ने एक दूसरे को मौन तोड़ने पर ब्लेम किया। यही जज करने की प्रकृति है। एक दूसरे को आलोचना करना
हायर स्टैंडर्ड पर जीने के लिए हम खुद ही फेल हो जाते हैं एक उच्च जीवन जीने को। ईगो आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा बाधक है। ईगो आपको आइसोलेट कर देता है, इसलिए ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि यही ईगो का नाशक है। कॉन्फिडेंट बिल्ड करो, ना कि ईगो। ईगो और सेल्फ इस्टीम में कुछ अंतर है। ईगो डरता है लोग क्या कहेंगे, ये दूसरों से कंपेयर करता है, ये प्रूव करना चाहता है, ये सोचता है कि ये सब कुछ जानता है, ये स्ट्रोंग होने का नाटक करता है, ये दूसरों से रिस्पेक्ट चाहता है। जबकि सेल्फ इस्टीम दूसरों की बातों को समझता है, अपने आप को खुद से ही कंपेयर करता है, खुद होना चाहता है, किसी से भी लर्न कर सकता है, एक्सेप्ट करता है अपनी वल्नरेबिलिटी को, खुद की और दूसरे की इज्जत करता है। एक एक्सरसाइज करो, उन एरियाज़ को लिखो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप। लिखो कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करवाने वाली है इस एरियाज़ में जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो। पार्ट 3, गिव। चैप्टर 9, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग है। अपने पास ग्रेटिट्यूड जर्नल रखें। हर रात 5 मिनट स्पेंड करें जिनके लिए तुम ग्रेटिफुल हो। ग्रेटिट्यूड आपके लिए वरदान है और आपके लिए इससे बेहतर टॉनिक कुछ नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड हेल्प करता है हमारे रिलेशनशिप को हील करने में। ये बिटरनेस और पेन को ओवरकम करता है जो हमें कैरी करते रहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एलेक्स कॉर्प के अनुसार हम कभी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग पर एक ही समय फोकस नहीं कर सकते। जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जो एक रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें उसके लिए दोबारा फील करवाना चाहता है और हमें ग्रेटिट्यूड को हैबिट बना लेते हैं। हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, सुबह उठने से शाम तक के भोजन में, जिसे मील ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करें, इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, 2 से 4 सांसें गहरी ले और शांत मन से रिपीट करें, आई एम ग्रेटफुल फॉर। इस सेंटेंस को कंप्लीट करें उन वाक्यों से जिसे तुम कर सकते हो, हर एक वाक्य से जितना हो सके उतना। आई एम ग्रेटफुल फॉर ये, आई एम ग्रेटफुल फॉर वो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर डैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद ग्रेटिट्यूड को विजुलाइज करें। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में सोचें जो दूसरों ने आपको दी है। ये एक छोटा काइंडनेस हो सकता है, गिफ्ट, या ऐसी चीज़ जो आपका दिन बेहतर बनाती हो। ग्रेटिट्यूड को अनुभव करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये एक है। वॉलंटियर वर्क करना, ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना उसे जिसके लिए तुम डीपली ग्रेटफुल हो, और ग्रेटिट्यूड को फॉरगिव करने के बाद भी प्रैक्टिस करें। चैप्टर 10, रिलेशनशिप। हमारे ट्रू वेलबींग का आधार हमारे हारमोनियस रिलेशनशिप है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रिलेशनशिप के बिना रह सके। हमारे जीवन में हर पहलू में हमारे रिलेशनशिप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे रिलेशनशिप से ही हम सुखी और फुलफिलिंग फील करते हैं। कहा जाता है कि बेहतर रिलेशनशिप आपके ट्रू सक्सेस का एक आधार होता है। इसके लिए ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। 4 तरह ट्रस्ट होते हैं। पहला, ये कॉम्पिटेंट, वो होते हैं जिनमें राइट स्किल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं। दूसरे तरह के ट्रस्ट वो लोग होते हैं जो केयरिंग होते हैं, जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो आपके वेलबींग की केयर करते हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तीसरा, करेक्टर, हम इन लोगों की तरफ देखते हैं क्योंकि हमें मदद करते हैं क्लियरली देखने में जब हम अनश्योर होते हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं और क्या सही है। चौथा है कंसिस्टेंसी, इस तरह के लोग आपकी डीपली केयर करते हैं, वो रिलायबल होते हैं और आपकी ज़रूरत के हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ट्रस्ट की कुछ स्टेजेस होती है जिसके थ्रू हम गुजरते हैं। न्यूट्रल ट्रस्ट, पॉजिटिव क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रस्ट में ये होता है कि अगर आपने मेरी पीठ खुजलाई तो मैं भी खुजलाऊंगा। म्यूचुअल ट्रस्ट में दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है पॉजिटिव टर्म्स में, एक दूसरे की हेल्प करने का। अगला है प्योर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट जिसमें कुछ भी हो जाए एक दूसरे की हेल्प करेंगे ही। 6 तरह के लविंग एक्सचेंज होते हैं। 1st, गिफ्ट इंटेंशन के साथ देना। 2nd, गिफ्ट को ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करना। 3rd, बिना किसी जजमेंट के सुनना। 4th, ट्रूथफुली कन्वर्सेशन करना। 5th, फूड प्रिपेयर करना बिना किसी एजेंडा के। और 6th, फूड रिसीव करना फुल प्रेजेंस के साथ। चैप्टर 11, सर्विस। मॉन्क लाइफ हमेशा दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होती है।
इसलिए मोंग की तरह सोचना मतलब अल्टीमेटली सर्व करना, सेवा भाव होना। सेवा भाव व सेवा करना ही हाईएस्ट पर्पस है लाइफ का। सेवा तन मन और ध्यान के लिए अच्छी होती है। मोंक में ये विश्वास करते हैं कि सेवा से हमारी लाइफ बेहतर होती है। सेवा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। सेवा हमारे ग्रेटिट्यूड को बढ़ाती है। सेवा कंपैशन को बढ़ाती है। सेवा सेल्फ इस्टीम भी बढ़ाती है। सर्विस माइंडसेट रखो और इंटेंशन के साथ सर्व करो, यही हाईएस्ट वर्च्यू है। सेवा करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे स्कूल, वर्क, सोशल इवेंट, ऑनलाइन कम्युनिटी, जिम, धार्मिक स्थल, किसी की मदद, किसी संस्था के साथ वॉलंटियर वर्क करना। नाउ शॉर्ट रिव्यू। जे शेट्टी ने उन्हीं चीज़ों को अपनी बुक में बताया है जो ऑलरेडी कई ऑथर्स अपनी बुक में बता चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, मगर एक कारण जो मुझे लगता है ये बुक अकेले स्टैंड करती है वो है इसकी सिंपल लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। बुक में मेथड्स और टूल्स को अलग से हाईलाइट करके लिखा गया है, जिससे रीडर को ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता किसी भी मेथड को लर्न करने के लिए। प्लस जे चेट्टी के खुद के अनुभव भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। आई होप ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, सो दैट इस तरह की क्रिस्प बुक समरी एंड ऑडियो बुक आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।